गुरु नानक देव जी का दो दिनी गुरुमत दीवान ज्योति पर्व सजाया गया। इस दौरान बेटमा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गुरु नानक देव जी के ज्योति पर्व के इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई स्थानों से श्रद्धालु बेटमा आएंगे, जिसमें दीवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश का जत्था 80 से 90 दिनों तक लंगर की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखेगा। फतेह प्रवान करना जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत ये जो प्रोग्राम आज गुरुद्वारा बावड़ी साहब बेटमा विखे ये जो चल रहे हैं, ये साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के ज्योति जोत पुरब नु मुख रखते हुए ये प्रोग्राम चल रहे हैं। साथ संगत जी, श्री गुरु सिख सभा वालों हर साल ये प्रोग्राम इतने कराए जाते हैं। ये इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर के आस पास, इंदौर जिला, देवास जिला, उसके बाद उज्जैन संभाग, खंडवा संभाग, ये सारे ही संभागों के लोग इतने आते हैं। और विशेष तौर पर दास ने तो यह देखा है कि हर पूर्णमासी और मस्या और हर इतवार को बहुत आए संगत इतने पहुँचती हैं और गुरु के दर्शन करके हर जस कीर्तन करके अपना जन्म सफल करते हैं। इस पावन स्थान के ऊपर जिथे सरोवर का निर्माण किया गया है, ये निर्माण संत बाबा कोला सिंह जी कार सेवा सराली वाले उन्होंने वालों कराया गया है। ये गुरुद्वारे का निर्माण उन्होंने वालों कराया जा रहा है। साध संगत जी, कार सेवा के राही जेड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कार सेवा का राह संत बाबा कोला सिंह जी ने इस इलाके की संगतों को दिखाया है। आप जी ने जिते गुरुद्वारा चरण पादुका की बिल्डिंग का निर्माण किया, हम बावड़ी साहब विखे निर्माण कार्य चल रहे हैं और गुरु के लंगर से अटूट सेवा हमेशा ही चलती रहती है और संगत इतने 12 महीने एक बजे इतने आते हैं। साध संगत जी, यात्रियों के रुकन वास्ते इतने 42 कमरे की सराय का निर्माण किया गया है, जिसे 14 कमरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी संगत इतने आए आ करके इतने रात रुक सकती है, रुक करके इतने अखंड पाठ साहब करवा सकती है और हर रंग माण सकती है। साध संगत जी, ये पावन स्थान गुरु नानक देव जी महाराज जो कि दूसरी उदासी के दौरान इस इलाके आए हैं, इतने जो गुरुद्वारा जो बावड़ी साहब है, बावड़ी के पानी को मिठा करन दा इतने बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ने ही उपराला होया। उदों दे इस तो पहले इस पूरे इलाके खारा पानी होंदा सी, हुण चारे पासे मिठे पानी दी इतने नदियां वग रही हैं और खूब तालाब बने हन। ये साध संगत जी, सब साहिब श्री गुरु नानक देव जी रहमत है जो दुनिया मिल रही है, दुनिया के रंग मान रही हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत पुरब है और कल इमली साहब गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थान है, जहां इमली साहब के पेड़ के नीचे उपदेश देकर उन्होंने संगत को निहाल किया था। कल इमली साहब गुरुद्वारे में समागम था, आज बेटमा साहब गुरुद्वारा ये ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ गुरु नानक देव जी खुद आए थे और यहाँ गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और भीलों का अंतक था, तो उन्होंने यहाँ पे पानी की समस्या को दूर करा। यहाँ पे अपना मीठा पानी है और साथ में भीलों के अंतक से गांव वालों को समझा बुझा के मुक्त कराया। आज ये ऐतिहासिक स्थल पे ये समागम हो रहा है और आप देखिए कितना बड़ा ऐतिहासिक स्थल और कितनी समागम में संगत आई है, इंदौर की संगत आई है। उच्च कोटि के रागी सिंह कथावाचक आए हुए हैं और आप देखिए कि सुबह से लंगर चल रहा है और संगत की लाइन नहीं टूट रही। इतनी आस्था इस स्थान में संगत की है और यहाँ पे हर पूनम में, हर अमावस में संगत आती है और अपनी मन्नत मांगती है, परमात्मा के दर्शन करती है और जाती है। ये स्थान का ये महत्व है और यहाँ पे इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं। खालसा वाहेगुरु जी फतेह। साध संगत जी, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के जो ज्योति जोत गुरुपुरब है दसवीं सराधे बेटमा साहब में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह से लगातार शब्द कीर्तन गुरबाणी का गायन हो रहे हैं, लंगर गुरु का अतुट बरता रहे और यहाँ पर सभी श्रद्धालु संगत सभी समाजों के लोग यहाँ पर आके दर्शन मेला कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। गुरुद्वारा बेटमा साहब, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से भोजन तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बेटमा।